दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्ले स्टोर ऐप को अपडेट कैसे करते हैं। दोस्तों जिस तरीके से आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और भी सारे एप्लीकेशन को अपडेट करके लेटेस्ट वर्जन को आप यूज करते हैं, उसी तरीके से आप प्ले स्टोर ऐप को भी अपडेट करके और लेटेस्ट वर्जन को आप यूज कर सकते हैं। बस उसके लिए इस वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों आपको अपडेट करने के लिए पहले तो प्ले स्टोर ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आप देखते होंगे कि सारे एप्लीकेशन को तो हम प्ले स्टोर ऐप से अपडेट करते हैं, लेकिन प्ले स्टोर ऐप को अपडेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे प्रोफाइल का आइकन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस दिखता है। आपको नीचे आना है सेटिंग के ऑप्शन में, सेटिंग के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। आपको क्या करना है, लास्ट में अबाउट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको नीचे दिखेगा प्ले स्टोर वर्जन का ऑप्शन, इसमें आपको यहाँ पे अपडेट प्ले स्टोर दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ रहा है कि ए न्यू वर्जन ऑफ गूगल प्ले स्टोर विल बी डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल्ड, मतलब कि मेरा जो है ये वाला गूगल प्ले स्टोर जो है अपडेटेड है, इसीलिए यहाँ पे जो है इस तरीके का इंटरफेस दिखा रहा है। वो इस पर क्लिक करते हैं और अब जो है दोस्तों अगर आप में अपडेट नहीं होगा तो इस पर क्लिक करेंगे तो अपडेट होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों अगर यहाँ पे जो है अपडेट प्ले स्टोर नहीं दिखता है तो आप इस पर 2-3 बार लगातार क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको वो खुल के आ जाएगा। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं मैं एक बार क्लिक किया हूँ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मैं 8 बार क्लिक किया हूँ तो यहाँ पर जो है यू आर नाउ ए डेवलपर, मतलब कि यहाँ पे जो है ये वर्जन जो है अपडेटेड है, तो इसीलिए यहाँ पे जो है ये दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप अपडेट कर सकते हैं प्ले स्टोर ऐप को।